रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सिंपल से कांदा पोहा आपको कैसा लगा, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये कांदा पोहा महाराष्ट्र का फेमस नाश्ता है। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कांदा पोहा, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम पोहा लिया और इसे वॉश करके मैंने अच्छे से छान के इसे रख लिया। ये देखिए सूखा, ये मैंने वॉश किया हुआ है। तो अब चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप के बराबर मैंने सिंग दाना लिया है और इसे मैं फ्राई अच्छे से कर लूँगी। मैंने फ्राई करके सिंग दाना निकाल लिया, तो यहाँ पे मैं राई डालूँगी। जब वो क्रैकल हो जाएगा तो यहाँ पे करी पत्ता, करी पानी, और यहाँ पे मैंने एक बड़े दो बड़े साइज का प्याज और हरी मिर्ची मैंने चॉप किया हुआ है, तो मैं इसे ऐड कर दूँगी। और इसे हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, थोड़ा इसका पानी सूख जाए कांदे का, उतना ही हमें पकाना है इसको। तो आप देख सकते हो कांदा फ्राई हो चुका है, हमें ऐसा ही चाहिए। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं क्योंकि हम कांदा पोहा बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पोहा डाल दूँगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लो मीडियम मैंने किया हुआ, तो यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। एक चुटकी हल्दी डाल रही कलर के लिए, ऐसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स किया, तो सिंग दाना भी ऐड कर दूँगी, आधा चम्मच शक्कर ऐड करूँगी, आधा चम्मच लेमन जूस, इससे अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाला और इसे मिक्स कर लेते, और ये हमारा कांदा पोहा बन के रेडी है। ये नाश्ता हल्का फुल्का सा नाश्ता बन के रेडी है कांदा पोहा। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिए। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है बन के। तो देखिए मैं सर्व कर रही हूँ, गर्मा गर्म नाश्ता करिए कांदे पोहा का और इन्जॉय करिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सिंपल से कांदा पोहा आपको कैसा लगा, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये कांदा पोहा महाराष्ट्र का फेमस नाश्ता है, तो आप इस तरीके से बनाइए और खाइए, इन्जॉय करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।